साहब कहते हैं तकरीर ना करें किशु, जरदारी साहब कहते हैं आपको तकरीर करनी करनी, किसकी बात मानें? ऐसा होता नहीं है तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगी। ये हाइपोथेटिकल सवाल है। हाइपोथेटिकली कह रही हूं कि हुआ नहीं तो तब भी हाइपोथेटिकली भी नहीं। अब आपसे पूछ रहा हूं, ये हो गया है, कोई एक इशू आ गया मार्केट में जिसके ऊपर आपको जरदारी साहब कह रहे हैं तकरीर नहीं करनी, बराबर साहब कहते हैं जाए तकरीर करें, होते हैं ऐसे बहुत होते हैं। आई हैवंट कम ना, नहीं आपको जवाब देना पड़ेगा, पॉइंट ना, ये बात नहीं, कोई एक जवाब आपको देना पड़ेगा। बोल दें, देखिए ही इज द चेयरमैन ऑफ द पार्टी, सो व्हाट द चेयरमैन ऑफ द पार्टी सेज इवन जरदारी साहब डज दैट सर। सो इवन जरदारी साहब का जो आप लोग इतने फेंस पे क्या ऐसा होता है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई है जहां पे ओपिनियन लग रहा है डिवाइडेड है तो व्हाट प्रिवेल्स इज चेयरमैन। फिर बिलावल साहब की बात मानी, फिर कहा, बोल दिया ना मैंने, अच्छा बोला नहीं ना, अब कुरेद रहे उसमें से। लंच करने का ऑप्शन है शेख रशीद साहब है, फिरदौस आशिक वान साहब है, मुराद सईद, किसके साथ लंच करना पसंद करें? मैं भी रोजा रखूंगी, मैं भी शेख रशीद उनको जवाब देने दे, मशवरा दे रहे हैं भाइयों की तरह है, मतलब उसके है उल्टी सीधी हरकतें, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अफतारी कर लूंगी। कौन सी उल्टी सीधी हरकतें? एक सीट पे इमरान खान साहब बैठे, एक सीट पे शहबाज साहब बैठे, एक सीट पे मौलाना फजल रहमान साहब बैठे। आजकल तो शहबाज शरीफ बैठ जाएंगे, आजकल तो शहबाज शरीफ, जहाँ मेरी सीट होगी मैं उसी सीट पे बैठूंगी ना, वो बोर्डिंग पास मिलता है ना, खुदा का वास्ता है। मैं तो मैं तीन सीटें बैठूंगी, वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमरस सीटें, मौलाना साहब एक्चुअली इज ह्यूमरस, आई एक्चुअली ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, आई बाय दैट। लेकिन आप अपना जवाब देना इसको, ये देखिए आप मौलाना साहब राउंड को आपके साथ बैठ के उनसे सियासत जो उनके दोनों के साथ बच गए, किसके साथ बैठने से इनकार कर देंगे? शहबाज साहब या इमरान खान? इमरान खान। सेल्फी आपको लेनी पड़ रही है, किसके साथ लेंगे? वारिया मकबूल जान साहब, फैसल वाडा साहब, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब और आमिर लियाकत। मुझे सेल्फी पसंद ही नहीं है वैसे। मेरी बात सुने, क्यों, क्या क्या है मेरे पास चॉइसेस? वारिया मकबूल जान साहब, फैसल वाडा, वारिया का कह दें, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, गॉन। चले फैसल वाडा, फैसल इज द ओनली पॉलिटिशियन इन दिस। ओए होए होए होए, ऐसा शख्स जो पार्लियामेंट के अंदर आपको लगता है कि ये आदमी मेरे पास ना ही आए तो बेहतर? अब नेशनल टेलीविजन है, अक्सर ही होता है कि टेढ़े मेढ़े जो है ना वो दूर ही रहे, अक्सर ऐसे होते हैं, काफी लोग होते हैं इस तरह के। वो कौन सा एक है जो दूर से आता हुआ नजर आ रहा और आप कह रही है? एक भी नहीं, अक्सर होते हैं, कोई एक नहीं। अली, आई विश कि कोई कम हो जिनको मैं कह सकूं कि एक बुरा है या एक लेजिट आंसर। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल विद मेनी अराउंड। अली जैदी, ये तो आते ही असेंबली कम है। मूवी के लिए आपको विलन का एक रोल देना है किसी तो आप किसको देंगे? हामिद मीर साहब, जावेद चौधरी साहब विलन का, कामरान शाहिद साहब या मोहम्मद मालिक साहब? कामरान शायद बिकॉज़ उनका मूवी बैकग्राउंड है, सो मे बी ही विल बी अ गुड एक्टर। कायम अली शाह साहब जब नजर आते हैं आपको तो आपके दिल से क्या ख्वाब होता है? अल्लाह और लंबी उम्र दे, दोबारा वजीर आला बने। इन दोनों में से कौन सी चीज आपके आपके दिमाग में पहली चीज आती है? फिरौन मिसिंग यू, कायम अली शाह को नजर आता है। देखिए वो वजीर आला रहे, आई डोंट थिंक अब वो काफी अरसा रहे, वो खुद क्यों हर चीज का एक जवाब क्यों नहीं आ सकता आपसे? देखिए मैं वजीर आला का तो नहीं बता सकती बिकॉज दैट इज अ पार्टी डिसीजन, बट आई विल से कि उनकी अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको उम्र दे, क्योंकि ये फैसला पार्टी ने करना है, आई एम नो वन टू डिसाइड। अब आप एक मूवी बन रही है, आपके आपके अगेंस्ट किसी को हीरो कास्ट हो? फवाद खान एक्टर, आप हीरोइन है, आपके अगेंस्ट हीरो कास्ट हो, फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, फहद मुस्तफा या हुमायूं सईद?
मतलब जरूरी है कि मुझे ओके आई थिंक हुमायूं सईद, मैंने उनकी एक दो मूवीज देखी है, इज नॉट अ बैड एक्टर, एक्टर वो दो भी अच्छे हैं, एक है फहद मुस्तफा एंड हिज फादर फहद मुस्तफा, फहद मुस्तफा बात तो सुन ले, फहद मुस्तफाज फादर इज एन एक्टर, ही कम्स फ्रॉम एन एक्टिंग बैकग्राउंड, ही इज डूइंग अ गुड जॉब, और फहद खान टेक्नोलॉजी का वजीर है, आई वुडंट माइंड, तीनों अच्छे एक्टर्स हैं, एक बताएं मैं वो कर लूंगी ना कुरान दास, ना बताएं एक आप बताएं क्यों इसमें, इज दिस सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, मतलब उन तीन क्यों खुश करना चाहती है, पहले से प्री प्लान इस तरह से शहबाज शरीफ, सो यू फाइंड कि वो उन दोनों में से एक नाराज होगा तो आप या बिलावल वर्सेस नासिर जरदारी, वो सब खुद कूद गए, आप हर सवाल में खुद कूद गए, तो मेरा मैंने डूबना है, बिलावल भुट्टो साहब को शादी का मशवरा देना, तो कौन सी पॉलिटिशियन आपको लगता है कि जिसके साथ उनको शादी करनी चाहिए, नहीं लड़की में क्या खसूसियत होनी चाहिए, पॉलिटिशियन सवाल को छोड़ दे, कर देंगे नहीं नहीं, आपका ख्याल में पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा कूल एंड ट्रेंडी फीमेल पॉलिटिशियन कौन है, गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल, हिना रबानी का ये हिना दोनों पूछो, हिना देखो जी आप सारे परेशान हो गए, देखना जरा बेहतर बेहतर तजिया निगार कौन है, हफीजुल्लाह नियाजी साहब या सलीम साफी, हफीजुल्लाह नियाजी, ज्यादा डर आपको किससे लगता है, रूफ क्लास साहब से अपनी बेगम साहब से, अपनी बेगम से, एक पॉलिटिशियन आपके पास ऑप्शन है किसको कश्ती से नीचे धक्का दे दें, किसको देंगे लीडरशिप नसीब, इमरान खान साहब, मियां साहब या जरदारी साहब या मौलाना फजल रहमान, दो की ऑप्शन मिल सकती है, डेफिनेटली जरदारी साहब एंड नवाज शरीफ साहब, कोई एक नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, कौन सा एक सियासतदान है इनमें से जिसकी पार्टी में आप खुशी खुशी चले जाएंगे, कि अच्छा तरीके इंसाफ, मैं सोचता था जब तरीके इंसाफ ओरिजिनल थी कि ये अच्छी है, लेकिन अब तो कोई नहीं है। कौन सी खातून पॉलिटिशियन है जिसके साथ खाना खाना चाहेंगे आप, शाजिया, बड़ी ऑफर्स है, वो कौन सी पॉलिटिशियन है जो आपको मिनते भी कर ले आप कहेंगे नहीं भाई बड़ी मेहरबानी कर दी, मरियम नवाज, मरियम नवाज, किस सियासतदान को मौजूदा पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, आजम सवाती, आजम सवाती, डेफिनेटली अपना जवाब है ना, नहीं नहीं मेरा नकल मारा ना, नहीं 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 मैं ज़ेन सर, थैंक यू, आजम सवाती साहब, सो आजम सवाती साहब को निकाल देंगे, उर्दू में पूछो ना, अच्छा पहली दफा वहां बोली थी, हाँ पहली दफा, अब आप भी बताएं कि आपने पहली दफा हाँ बोली थी कि सोच के बोली थी, सच हो रहा है हमने बहुत बाउंसर्स गाए हैं, नहीं मैंने कॉफी पे पहली दफा हाँ नहीं बोली थी, अच्छा नहीं बोली थी मैं लड़ भी नहीं सकता भाई दूसरी दफा बोली थी, हाँ दूसरी दफा बोली, अच्छा तो क्यों, ऐसी क्या खास बात थी, ये इनका है मेरा है, दोनों आपसे पूछ रहा हूँ, दोनों का ही समझ लो यार, दोनों का ही समझ लेना, इनमें से क्या खास बात थी, क्यूट था, क्यूट था, आप शॉट ढूंढ रही थी या पपी, क्यूट का क्या मतलब है यार, क्या मतलब है ये, क्या बात हुई यार, आप क्यों हाँ बोली थी आप, बिल्ली का बच्चा ले रहे तो नहीं खेल रहे यार, इतना क्यूट ले हो मतलब क्या हो गया भाई, मेरा जवाब है क्यूट लगा इसलिए आपने, अच्छा आपको क्या नजर आया था, मुझे जो अगर नजर आया होता तो मैं नहीं नहीं बोले ना, आई थॉट मेरे मेरे ख्याल में कंप्लीट पैकेज, क्या मतलब कंप्लीट पैकेज है यार, स्मार्ट भी है, सनरूफ थी, दिमाग भी है, इंटेलिजेंट भी है, पावर स्टीयरिंग था, ह्यूमर भी है, बहुत अच्छी है, क्या क्या गाड़ी कंप्लीट पैकेज का मतलब है यार, कंप्लीट एक क्लोज शॉट है भाई, लुक्स भी है, इंटेलेक्ट भी है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, और क्या चाहिए, और सेंस ऑफ जजमेंट नहीं है, कर लो हाँ ये, थैंक यू यार, अब यू टुक द क्यूट भी लगता हो, क्यूट भी लगता हो, क्यूट भी लगता हो, क्यूट भी लगता है, और इसमें सेंस ऑफ जजमेंट नहीं है, सेंस ऑफ जजमेंट ये पर आपने बिल्कुल जी, जुबैर पर पूछें जी, खोला द फ्लोर इज योर, ना ना
चांद से छोड़ना नहीं, 15 साल से हमारे साथ ये करते हैं, ईद के दिन घर नहीं छोड़ना, पकड़ो। सबसे बुरी चीज आपको इनकी क्या लगती है? गुस्से के तेज है। आपको गुस्से की तेज? मैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव थोड़ी है। काशिफ के साथ शादी ना होती, बच्चों को छोड़ दे, बच्चे नहीं इसमें गिने, काशिफ की शादी ना होती तो क्या चीज मिस करती हैं आप? काशिफ के साथ शादी नहीं हुई, मुझे मिस करना था और किसको करना था? मेरा मतलब है कि क्या मिस करती अगर आप आज सोचती हैं, कमी रहती, आज सोचती हैं कि अगर इससे मेरी शादी ना होती तो ये बड़ा खुश होना था, इसने खुश रहती सारी उम्र। नहीं, मैंने एक्चुअली बीच में सोचा था कि अगर ना हुई तो, और आई डिडंट लाइक दैट थॉट, आई थॉट कि आई वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माय लाइफ विद हिम, तो सोच के की थे, वरना पहले बीच में सोचा था नहीं करती, मगर फिर सोचा कि नहीं करना जरूरी है। क्या चाहती हैं कि काशिफ में क्या चीजें होनी चाहिए? तीन क्या बदलना चाहती है काशिफ? क्या बदलना चाहती है? हां, बदलना चाहती है, बदलना चाहती नेगेटिव बहुत हो जाते हैं, सिनिकल, क्योंकि शायद हमारा प्रोफेशन है तो ही इज लाइक दैट, हर चीज का वर्स्ट केस सिनेरियो पहले सोचेंगे। मैं सबसे बेस्ट केस सिनेरियो सोचती हूं तो वो एकदम क्लैश होता है, तो वो खत्म होना चाहिए और गुस्से का काम बाकी ना। दूसरा चांस मिले, ऑप्शन मिले तो शादी करेंगे? फिर से करूंगा। अच्छा काशिफ, अगर काशिफ एक चीज अगर आप चाहें, मैं पूछूं काशिफ से, चेंज कर ले कुछ भी नहीं, क्या बात। अच्छा मैं काशिफ से पूछूं? पूछे सर, पूछे। और हमारे प्रोफेशन के बारे में भी पूछे। बहर से अगर आपकी शादी ना हुई होती तो तीन कौन सी हैं पॉलिटिशियंस या एंकरनिया जिनसे आप? गुड मैन, थैंक यू सर। ये तो एक सवाल में सारे बदले होंगे। चलो जी बताए ना, शादी का रैपिड फायर है, किस आप दिन है? मैं आई वुडन्ट हैव गॉटन मैरिड प्रॉब्ली। ये ऑप्शन जवाब देने सर, तीन ऑप्शन दिए, ऑप्शन नहीं आपको सवाल नहीं, आप ऑप्शन तो देने पड़ेंगे, मैंने तो हर चीज का ऑप्शन दिया उनको। नहीं, मैं शादी करनी नहीं थी, मगर अगर इसके पास चॉइस होती पूरी दुनिया में से, ट्रस्ट मी दीपिका, मैं बता रही हूँ। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और उस पर से बात कर रहा था, और आप रैपिड फायर में हमारे से बड़े सख्त आपने जवाब मांगे और अपना आप फेल कर गए। नहीं नहीं, आप मुझसे खुल के कोई सवाल पूछे दो तीन तो मैं ऑप्शन देना। मैं लड़कियों के नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप नहीं लेना चाहते जो अच्छे नाम, आप नहीं लेना चाहते। अच्छा बताए, पहली मायूसी कब हुई? कोई मायूसी नहीं, नहीं नहीं, ये नहीं, नहीं, अच्छा सबसे स्मार्ट पहले मायूसी से मुराद हार्ट ब्रेक, सबसे वेरी अट्रैक्टिव, नहीं अदर देन योर वाइफ, ब्रेक ही मैन, नहीं नहीं अदर देन योर वाइफ, सबसे स्मार्ट अट्रैक्टिव, आपको रियली दिल करता है कि देख के मजा आ जाता है, कौन सी है? उनको दो तीन नाम बताएं, मैं जानना चाहता हूं कि आपके कारण भाई तो सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है ना? नहीं, नहीं। आपने हमारे से आसान सवाल पूछे, मैंने तो आपको हर चीज सीखा, मैंने बदले। डर किससे लगता है? डर किससे लगता है? डर किससे लगता है? अल्लाह से बहुत डर लगता है। एक हो के 6 महीने कहते तन्हाई काटनी है, या 6 महीने ससुराल के साथ एक आइलैंड पे गुजार, क्या देता भाई? Let's wrap it up. अच्छा जी, आप अगले 10 साल में खुद को कहां देखना चाहते हैं? Off the record. I hope not. मैं बाकी तंग आ गया हूं. पिछले 10 साल probably traveler with no work. कोई काम नहीं. आप जी मेयर साहब. Backpacker probably with no work. मेयर साहब. Done with work. 10 सालों बाद मैं, बिकॉज ऐसे ही आपने सवाल पूछा ना, तो मैंने एकदम कैलकुलेट किया, मेरी बच्ची अल्लाह सलामत रखे 16 साल की होगी, तो आई वुड वांट अ बैक सीट ऑन माय करियर एट दैट टाइम, एंड आई वुड वांट कि मैं बस उसके साथ बहुत बिजी हूँ एट अ कंफर्टेबल प्लेस। लास्ट कार्टून के किरदार में दिखाया गया बेहतरीन सियासी लीडर, कार्टून के किरदार में? या बड़ा अच्छा है, मेरे तरफ हाथ कर दो। यानी कि कार्टून के किरदार में तो कोई नहीं दिखाया गया, मगर इफ यू से कि कोई कार्टून से तशबीह अगर करें तो हु वुड बी डोनाल्ड डक? डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड डक, डोनाल्ड ट्रंप, गूफी। तो मुझे एक बात बताएं, अगर इन तीन पॉलिटिशियंस इमरान खान, नवाज शरीफ एंड आसिफ जरदारी, किसी एक को किश्ती से धक्का देना हो किसको देना? नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी एंड इमरान खान। धक्का किसी को ना दूं, जस्ट ना दूं। नहीं ना दूं क्या मतलब? बेटर पॉलिटिकल फ्यूचर मरियम नवाज या yeah? बिलावल? Ooh, I think Bilawal.
I disagree. I think Maryam. So you can disagree. That's her answer. Guys, मेरा भी है ना. This is a joint answer. अपने answer के साथ शुरू होना चाहिए. He has answered. कोई रुक नहीं तो वो क्या कह रहे हैं? क्या बात न करें? आप वो answer न करें. अपने बात दे रहे हैं. वो क्या दे रहे हैं? मतलब ये आपकी loyalty है. Question put by you. How can you answer your own? He put the question. हम दोनों कर रहे हैं. Question you put. No no no. अच्छा. No no. You put the question. तो मैंने जवाब दिया. इसमें ऐसा क्या है? चले ठीक है.